दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक, बैठक में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौजूद रहे। बैठक में हिंसा के दौरान मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि दिल्ली की मौजूदा हालात चिंताजनक है, एक साजिश के तहत बड़ा हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बीजेपी नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए, चुनाव के दौरान नफरत फैलाई गई है, दिल्ली की स्थिति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली में हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है, जिसमें हेड कांस्टेबल रतन लाल भी शामिल है। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के अधिकारियों के मुताबिक आज 5 लाश लाई गई है, करीब 200 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उपद्रवियों को देखते हुए गोली मारने के आदेश जारी किए हैं। बुधवार सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने घायल IPS अफसर अमित शर्मा के परिजनों से बात की। इस बीच नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की हिंसा पर काबू पाने की कोशिशें तेज की गई। दिल्ली हिंसा को लेकर सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि CAA के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए दिल्ली में सेना बुलाने की मांग की है। उन्होंने दिल्ली के हालात बेहद खराब बताए हैं, दिल्ली पुलिस हालात को काबू करने में नाकाम रही है, दिल्ली में सेना बुलाई जाए। सीएम केजरीवाल ने कहा हिंसाग्रस्त इलाकों में कर्फ्यू लगाया जाए। सीएम केजरीवाल ने गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। दिल्ली में हुई हिंसा में बुलंदशहर के 3 लोगों की मौत हो गई है। जाफराबाद में हिंसा के दौरान गोली लगने से मौत हो गई है। मरने वाले युवक डिबाई और साखनी के रहने वाले थे। मृतक शादिद अशफाक और नईम दिल्ली में ऑटो चलाते थे। मौत की सूचना से मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। दिल्ली में CAA के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मैदान में उतारा गया है। डोभाल ने देर रात नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। डोभाल पुलिस अधिकारियों के साथ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। दिल्ली हिंसा में पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से दिल्ली हिंसा को लेकर जवाब मांगा है। शाहीनबाग में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सड़क प्रदर्शन के लिए नहीं है। अदालत ने टिप्पणी की कि अभी माहौल इस केस की सुनवाई के लिए ठीक नहीं है। शाहीनबाग केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थों से कहा कि उन्होंने उनकी दी गई रिपोर्ट देखी है, अभी हम इस मामले में विचार नहीं करना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए वातावरण ठीक नहीं है। BSP सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली हिंसा के बारे में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि दिल्ली के कुछ क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हिंसा और उपद्रव आगजनी की घटनाओं में भारी जानमाल की क्षति हुई है, जो अति दुखद और अति निंदनीय है। केंद्र और दिल्ली सरकार इसे पूरी गंभीरता से लेकर इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराए और सभी लापरवाही और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ये BSP की मांग है। देहरादून दिल्ली हिंसा को लेकर CM रावत ने कहा है कि दिल्ली में जो हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं है, हिंसा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में इस तरीके की घटना नहीं होने देंगे, राज्य शांतिपूर्ण है और वैसा ही रहेगा। दिल्ली में भड़की हिंसा के बाद UP में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जिले में स्पेशल पुलिस अफसर तैनात कर दिए गए हैं। हर जिले में शांति समिति की बैठक की गई, अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। वेस्ट यूपी के संवेदनशील इलाकों में शासन प्रशासन अलर्ट पर है। IG ज्योति नारायण को बुलंदशहर हापुड़ की कमान सौंपी गई है। IG लक्ष्मी सिंह को PTS मेरठ से मुजफ्फरनगर भेजा गया है। IG प्रवीण कुमार को गाजियाबाद भेजा गया है। वहीं मेरठ ADG प्रशांत कुमार मेरठ में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक को 1 साल पूरे हो गए हैं। श्रीनगर में वायुसेना प्रमुख ने MiG-21 विमान उड़ाए। एयर चीफ मार्शल ने उड़ान भरी। RKS भदौरिया ने MiG-21 उड़ाया। अलीगढ़ में CAA के विरोध में जाम लगाया गया। जीवनगढ़ पुलिया के पास CAA के विरोध में प्रदर्शन करने वालों ने बाईपास पर जाम लगा दिया। वहां पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुष जमा हो गए। ये लोग 3 दिन से कर रहे हैं बाईपास पर प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी हिंदूवादी नेता विनय की गिरफ्तारी की मांग के साथ साथ पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। कारसी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है।
सीएए और एनआरसी को लेकर दिल्ली में हुई हिंसा के बाद गाजियाबाद में हाई अलर्ट लागू कर दिया गया है। बॉर्डर एरिया में चेकिंग के साथ मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घूम घूम कर लोगों से बात कर रहे हैं। वहीं बॉर्डर सीमा की 3 किलोमीटर की दूरी तक शराब की दुकानें 26 फरवरी को बंद करने के जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिए हैं। पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर भी रोक लगा दी गई है। बॉर्डर सील होने के बाद स्कूली बच्चों को खासकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दंगा नियंत्रण के लिए मुरादाबाद में पुलिस ने रिहर्सल की। रिहर्सल के दौरान पैदल मार्च भी निकाला गया। एसएसपी ने लाठी पार्टी, एंटी राइट गन पार्टी, वाटर कैनन पार्टी और टीयर गैस पार्टियों को बारी बारी से दंगाइयों की भीड़ को नियंत्रण करने का कमांड दी। भीड़ पर लाठी चार्ज कैसे करें, इसके अलावा आंसू गैस के गोले दागने के टिप्स और एंटी राइट गन से रबड़ की गोलियां दागने के टिप्स दी गई। इस दौरान अधिकारियों को कम समय में दंगा नियंत्रण करने की सलाह दी गई। विधानसभा में बजट पर चर्चा हुई। सीएम योगी ने कहा कि जो बजट पेश हुआ वो काफी अच्छा था, अच्छा बजट पेश करने के लिए बहुत बधाई देता हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि रोजगार को बढ़ाने वाले बजट है ये। इस बार 5,12,000 करोड़ का बजट पेश हुआ है जो बहुत ही संतुलित बजट है। बजट सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाला है। विकास के लिए सभी ने सुझाव दिए और हर क्षेत्र में विकास का काम किया जाएगा। एसपी सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आजम खान ने रामपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इसके बाद उनको जेल भेज दिया गया है। 2 मार्च तक जेल में रहेंगे आजम खान। आजम खान के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं। पत्नी और बेटे पर भी मामले दर्ज है। कोर्ट ने तारीखों पर लगातार गैर हाजिर रहे आजम परिवार, कई समन के बावजूद हाजिर नहीं हुआ था। आजम परिवार हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। राजधानी देहरादून से दिल्ली तक नई एलिवेटेड सड़क बनने जा रही है। इस एलिवेटेड रोड से लोगों को काफी राहत मिलेगी। इस नए एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि इसका कुछ हिस्सा राजाजी नेशनल पार्क में आ रहा है जो उत्तर प्रदेश में आता है, जिसको लेकर जल्द ही उत्तर प्रदेश के सीएम से मुलाकात कर इसके लिए सहमति ली जाएगी। उत्तराखंड में बजट सत्र जल्द पेश होने वाला है। 3 मार्च को बजट सत्र को लेकर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि अभी सत्र को लेकर भले कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यह बजट प्रदेश के लिए हितकारी बजट साबित होगा। गांव किसान के विकास की बात करते हुए कहा, सरकार ने गांवों के विकास कार्य किए हैं, उसके लिए भारत सरकार द्वारा अभी तक कुल 17 अवार्ड भी मिल चुके हैं। प्रदेश सरकार ने 3 साल पूरे होने वाले हैं। सरकार 17 मार्च को अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लेगी, जिसको लेकर सीएम रावत ने मीडिया से बातचीत करते समय कहा, सरकार अपने इन 3 सालों में किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेगी। जो वायदे हमने किए थे उनमें से कितने पूरे किए जा चुके हैं, इनका लेखा जोखा देगी। और साथ ही सीएम ने कहा, विधायक भी अपने क्षेत्र में जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगे, उनकी भी जनता के प्रति जवाबदेही है। चंपावत जिला मुख्यालय में राज्य में नई आबकारी नीति के तहत शराब की कीमतें कम किए जाने से भड़के कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार का पुतला फूंका। इसके अलावा रोडवेज बसों के किराए बढ़ाए जाने पर जोरदार नारेबाजी करते हुए रोष प्रकट किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष उत्तम सिंह देव, वरिष्ठ नेता भागीरथ भट्ट, हरगोविंद बोहरा और यूथ जिलाध्यक्ष सूरज प्रहारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से मोटर स्टेशन तक राज्य सरकार के पुतले के साथ जुलूस निकाला। कार्यकर्ताओं का कहना है कि देवभूमि में शराब के दामों में बढ़ोतरी के साथ ही रोडवेज बसों के किराया बढ़ाकर आम लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। पौड़ी जनपद के पोखड़ा ब्लॉक के ग्रामीण पिछले 2 साल से पानी की समस्या से परेशान है। शिकायत करने के बावजूद समाधान नहीं होने पर ग्रामीण मुख्यालय पहुंचे और अपर जिलाधिकारी के सामने समस्या से निजात दिलाने की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना है कि गर्मियों के सीजन के आने से अब उनकी दिक्कतें एक बार फिर बढ़ने लगी हैं। बच्चों की बोर्ड की परीक्षाएं हैं, लेकिन बच्चों का समय पानी भरने में ही चला जाता है। वहीं अपर जिलाधिकारी का कहना है कि पास के गांव में कुछ लोग पेयजल लाइन को बार बार क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जिससे पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाती है। प्रदेश सरकार ने चारधाम व्यवस्था के साथ तमाम मंदिरों के रखरखाव करने के लिए देवस्थानम बोर्ड
गठित कर दिया है। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी के नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने से सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि बीजेपी के उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने इस मुद्दे पर सरकार का बचाव करते हुए कहा कि सरकार की मंशा केवल चारधाम व्यवस्था ठीक करने की है, न कि मंदिरों के प्रबंधन को कब्जाने की है। उनके अनुसार सरकार कोर्ट में जवाब देगी। प्रदेश में शराब के दाम घटाने पर राज्य सरकार के खिलाफ आक्रामक हुई कांग्रेस पर बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हमलावर होना स्वाभाविक है क्योंकि उनके कार्यकाल में उपजे डेनिश शराब के धंधे पर ताला लग गया है और अब कांग्रेस डेनिश जैसे ही किसी रास्ते की तलाश में है। जनरल ओबीसी वर्ग सुप्रीम कोर्ट में आदेश को प्रदेश में लागू करने को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है। 2 मार्च को इसी के मद्देनजर प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी है। मामले पर दीपक जोशी का कहना है कि यह आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। उत्तराखंड के साथ साथ अब अन्य राज्यों में जनरल ओबीसी कर्मचारी भी हमारा साथ दे रहे हैं, जिसको लेकर कई राज्यों के कर्मचारी नेता 29 फरवरी को देहरादून पहुंचकर सीएम से मुलाकात करेंगे। फिर भी सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। इसके बाद देशव्यापी आंदोलन किए जाएंगे। उत्तराखंड में लोगों में प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ किया, लेकिन सूबे में 4 महीने भी ये योजना पूरी तरह से काम नहीं कर पाई। दरअसल सस्ते गल्ले की दुकानों में लोगों को सस्ती दाल नहीं मिल पा रही है, जिसकी शिकायत शासन तक भी पहुंच रही है। खाद्य सचिव सुशील कुमार भी इस बात को मान रहे हैं कि लोगों की तरफ से दालें उपलब्ध न होने को लेकर शिकायतें मिल रही हैं। हालांकि उन्होंने विभाग का बचाव करते हुए कहा कि सभी 13 जनपदों में दालों का उठान करवाया जा रहा है, साथ ही राशन डीलर को भी इस योजना को सही से लोगों तक पहुँचाने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष सत्ता दल के लिए चुनौती बनता आ रहा है और सरकार के सामने विपक्ष के हमलों को झेलनी बड़ी चुनौती हो चुकी है, लेकिन गैरसैंण सत्र से पहले फिलहाल सदन में विपक्ष खुद से जूझने को मजबूर है। दरअसल सदन के अंदर विपक्ष के खुद ही 2 खेमों में बंटने का अंदेशा बन गया है। ये हाल तब है जब सदन में बमुश्किल कांग्रेस के विधायकों की संख्या 25 के अंक तक पहुंच पाई है। खुद विधानसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष का मानना है कि सदन के अंदर 11 में से महज 4 या 5 विधायक ही सरकार को घेरने के परफॉर्म कर पाते हैं। राजधानी दून अब जल्द ही बिजली की रोशनी से जगमगाई हुई दिखेगी। जल्द ही नगर निगम 100 वार्डों में नई बिजली की लाइट लगाने जा रहा है। इसके लिए बकायदा सभी कार्य पूरे कर लिए गए। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि सभी वार्डों के लिए लगभग 65,000 नई स्ट्रीट लाइट लगाई जानी है, जिसका कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और जल्द ही इसका टेंडर कर नई लाइट लगाने का काम किया जाएगा। टिमली रेंज के धर्मवाला बाईपास के पास जंगलियों में हाथी ने आतंक मचा रखा है, साथ ही इलाके में हाथियों के झुंड देखने के लोगों की भी दहशत बढ़ गई है। हाथियों ने वन विभाग की सुरक्षा की दीवार को भी तोड़ डाला है, जिसकी वजह से राहगीर भी डरे सहमे हुए हैं। वहीं वन कर्मी और स्थानीय लोग शोर करके हाथियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वन कर्मी किस तरह हाथियों की खदेड़ने में कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अब फायर सीजन दस्तक देने जा रहा है, जिसको लेकर वन विभाग भी अलर्ट हो गया है। वन प्रमुख जयराज का कहना है कि इस बार सर्दी में बर्फबारी और बरसात काफी हुई है, जिसका फायदा हमें मिलेगा, लेकिन फिर भी आगामी फायर सीजन को लेकर वन विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नेता अपने प्रोफेसर पति के साथ आज को इंडिया गेट लौट आएंगे। चीन स्थित भारतीय दूतावास से इस बारे में जानकारी देने को प्रोफेसर दंपति ने संतोष जाहिर किया है कि कोरोना वायरस से प्रभावित चीन के वुहान शहर में फंसे प्रोफेसर दंपति समेत करीब 100 लोगों को आज इंडिया वापस लौटेंगे। विशेष विमान में चीन में फंसे लोगों के लिए दवाइयां और अन्य सामान भी जाएगा। अंबेडकर नगर थाना अध्यक्ष बब्बू मिश्रा की संदिग्ध मौत हो गई। जैतपुर थाना परिसर में शव मिला, फांसी लगाकर खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने स्टार्टअप नीति 2020 को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी तकनीकी संस्थाओं, उच्च शिक्षा संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों को समन्वय स्थापित कर योजना बनाने के निर्देश दिए। प्रोडक्शन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि स्टार्टअप नीति ऐसी बनाई जाए जिससे स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार करते हुए 1 साल के अंदर यूपी में टॉप 3 राज्यों में शामिल हो सके।
लखनऊ में वाणिज्य कर विभाग के 72वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित जीएसटी जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया। 1090 चौराहा गोमती नगर से दौड़ की शुरुआत हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वित्त मंत्री, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना शामिल हुए। गाजियाबाद पूरी दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। भारत के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में 7 यूपी से है। ये एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 में खुलासा हुआ है। दुनिया के प्रदूषित शहरों में 11वें नंबर पर लखनऊ है। विश्व के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 21 भारत के हैं। नोएडा दिल्ली में हुई हिंसा को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर के पास में शराब की दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बॉर्डर से 3 किलोमीटर की दूरी तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। नोएडा के डीएम ने इस मामले को लेकर आदेश जारी किए हैं। सेक्टर 20, 24 और 39 में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। बरेली के थाना बारादरी इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब 2 युवकों में मामूली कहासुनी में बहन और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक पंकज शर्मा नाम के युवक ने मेडिकल स्टोर पर बैठे युवक शोभित और उसकी बहन सोनम को गोली मार दी। इसके बाद युवक खुद चौकी पहुंचा और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घटना से आक्रोशित पीड़ित परिवार ने आरोपी के घर पर तोड़फोड़ की और आग लगाने की कोशिश की। घटना की जानकारी होते ही पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। बहराइच में 5 साल की मासूम की हत्या का खुलासा हो गया है। मामले में सीसीटीवी फुटेज और अन्य सूत्रों से की गई जांच के आधार पर मोहम्मद रईस को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल लिया। रामपुर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। दरअसल शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के ढाकिया मार्ग के पास एक बस से बोलेरो कार टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमीरपुर में खनन घोटाले के चहेते अधिकारियों की पोस्टिंग की जांच शुरू हो गई है। खनन विभाग में एक अधिकारी की 3 बार हमीरपुर की तैनाती की गई। खनन पट्टों की पत्रावली तैयार करने वाला मास्टरमाइंड था खान। अधिकारी सीबीआई ने खनिज अधिकारी मोइनुद्दीन की जांच शुरू की है। मोइनुद्दीन की पहली बार 8 फरवरी 2008 को हमीरपुर में तैनाती हुई थी। 10 नवंबर 2008 को शासन ने मोइनुद्दीन को महोबा भेज दिया था। सोनभद्र में पुलिस ने मादक पदार्थों बेचने वाले और तस्करी करने वालों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन गिरफ्तार लोगों में 6 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। बागपत में घने कोहरे के कारण भीषण हादसा हो गया है, जहां कोहरे की वजह से एक स्कूल की बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में स्कूल बस में सवार 18 बच्चे घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने हाईवे से बस को हटाया। प्रयागराज में सोशल मीडिया पर एक शादी समारोह के दौरान तमंचे पर डिस्को का वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। 30 सेकंड के इस वीडियो में एक शख्स ऑर्केस्ट्रा में डांस करती लड़की को तमंचा दिखाकर पैसा लुटाते हुए दिखाई दे रहा है। कानपुर में बीते 20 दिसंबर को बाबुरपुरवा में जब सीएए और एनआरसी के विरोध में हिंसक प्रदर्शन में 20 साल का एक शख्स को घर जाते वक्त गोली लगी और तकरीबन 40 दिन शहर के सरकारी अस्पताल में वो हैलेट में इलाज हुआ और उसे छुट्टी दे दी गई, लेकिन जहां उसे गोली लगी वहां दर्द शुरू हुआ। डॉक्टर ने उसे सिटी स्कैन और एक्सरे करने की सलाह दी। हमीरपुर में प्रतिभाओं को ढूंढने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आशीष नेहरा राट कस्बे पहुंचे, जहां उन्होंने क्रिकेट अकेडमी के बच्चों को क्रिकेट खेलने की टिप्स दी। रायबरेली के बदई पूर्वा गांव के पास सड़क किनारे एक युवती का शव पड़ा मिला। दरअसल 1 मार्च को युवती की शादी होनी थी। शादी की खरीदारी के लिए युवती बाजार के लिए घर से निकली हुई थी। ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया यूनिवर्सिटी की कैंटीन में भीषण आग लग गई। भीषण आग लगने से यूनिवर्सिटी में अफरा तफरी मच गई। यूनिवर्सिटी की 2 कैंटीन जलकर खाक हो गई है। दमकल विभाग की कई गाड़ी मौके पर पहुंची गई और आग बुझाने में जुटी रही। चीन में फैला कोरोना वायरस दूसरे देशों में भी अपने पैर पसारता जा रहा है, जिसके चलते ग्लोबल इकोनॉमिक पर बुरे असर की आशंका से डरे निवेशक सोने की तरफ रुक कर रहे हैं। पिछले दिनों के दौरान दुनिया भर में सरफरा बाजारों में रौनक देखने को मिली है। इस दौरान घरेलू बाजार में भी सोना इस सप्ताह सोमवार को पहली बार 44,000 रुपये के प्रति 10 ग्राम रहा।
कारोबारी रिश्तों को और मजबूत करने के लिए भारत अमेरिका जल्द ही कुछ सीमित वस्तुओं के व्यापार को लेकर अंतिम करार करने जा रहा है। दोनों देशों के प्रमुखों के बीच बातचीत के बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी है। भारत क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पिछले साल इंग्लैंड में हुए विश्व कप के बाद से मैदान पर नजर नहीं आए हैं। क्रिकेट से दूर चल रहे माही ने अब आईपीएल के लिए तैयारी शुरू कर दी है। धोनी मंगलवार को रांची के अपने होम ग्राउंड पर मैच खेलने पहुंचे। बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक करण जौहर की फिल्म तख्त का अब तक ट्रेलर भी नहीं आया है, पर अभी से उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है।